प्रेस द बटन क्या आप घंटा दबाएंगे? नहीं। आज हम ऐसी चॉइसेस वाली गेम खेलने वाले हैं जिसको देखकर यार आपको इतना मजा आएगा कि मैं क्या ही बोलूं। मतलब यार विल यू प्रेस द बटन इस गेम का ही नाम है। तो चलो तो यार पढ़ते हैं और मजे लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉर्गन फ्रीमैन एक आदमी है, विल कमिटेड योर लाइफ, मतलब मेरी लाइफ को कमिट करेगा, और बट यू हैव टू एपिसोड ऑफ बिग बैंग थ्योरी एवरी डे अंटिल यू डाई। आपको बिग बैंग थ्योरी के हर दिन दो एपिसोड देखने पड़ेंगे जब तक आप मरे नहीं। सही में मतलब यार बिग बैंग थ्योरी तो मुझे अच्छी लगती है, मगर यार हर दिन दो एपिसोड देख के हम लोग बोर नहीं हो जाएंगे? तो यार चलो हम तो मैं इस पे क्या बटन नहीं दबाऊंगा, नो करूंगा और देखते हैं। ओके ओके, तो मतलब 62% लोग यार बटन दबाए हैं। मतलब यार ये मतलब इनकी जिंदगी कैसे चलेगी यार, दो एपिसोड ऑफ बिग बैंग थ्योरी समझ सकते हो इतना मतलब ज्यादा टाइम लग जाएगा। वेल आगे चलते हैं। कॉकरोचेस कैन ओनली क्रॉल एंड आर विंगलेस, देयर विल बी अ पॉपुलेशन ऑफ देम अंडर योर हाउस। मतलब यार कॉकरोचेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रेंग सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पंख होंगे नहीं। और ये बोला है देयर विल बी पॉपुलेशन ऑफ देम अंडर योर हाउस, मतलब यार आप अपने घर में उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कौन यार इसको हाँ बोलेगा? मतलब हमें क्या मतलब यार, वो उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, वो भी उतना उड़ते भी कहाँ है। तो मैं बटन नहीं दबाऊंगा, नो, देखते हैं और लोग क्या करते हैं। ओके, तो 78% लोग समझदार थे, मगर 22% लोग को मतलब यार क्या मतलब यार, अगर हर जगह कॉकरोच हो गए तो आपको अच्छा लगेगा? ये जरूर यार एनिमल फ्रेंडली वाले लोगों में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यू हैव द पावर टू क्रिएट एनीथिंग एट विल, अपने विल पावर से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, मगर आप उसे क्रिएट करने के बाद आपको बस ग्रैंडफादर से या फिर बड़े लोग की विशेष मिलेगी, ना कि आपको उससे कुछ फायदा होगा। सो यस यार जरूर करेंगे, अगर हम ऐसा कर सकते हैं और हमें दूसरों से अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो आशीर्वाद से बहुत कुछ हो सकता है। तो यस मैं यस करूंगा, देखते हैं दूसरे लोग क्या बोलते हैं। ओके, तो 82% लोग यस बोलते हैं और 18% लोग तो अपने स्वार्थ में, तो इसे छोड़ो। अब है यू गेन द एबिलिटी टू फ्लाई, हमें उड़ने की एबिलिटी मिल जाएगी। फिर मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एनी अदर ह्यूमन बींग असाइड फ्रॉम योर सेल्फ इज इनक्रेडिबली पेनफुल। ओके, तो इसका मतलब मैं समझ चुका हूं, मतलब आप उड़ तो सकते हैं मगर जब आपके कहते हैं किसी भी बॉडी से टच करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ही चोट लगेगा। और आप उड़ तो सकते हैं मगर आप किसी भी बॉडी से अगर आप टच करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा ही पेन होगा, यानी पेनफुल, इनक्रेडिबली पेनफुल होगा। तो यार मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, तो मतलब मैं इसको जस्ट नो पे कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब 65% लोग इसे नो करें और 35% की तो बात ही क्या है। अब देखते हैं, विल यू प्रेस द बटन यू गेट टू गो टू एनी कार्टून वर्ल्ड यू वांट। ओ माय गॉड, मतलब पोकेमॉन, सोनिक, माय लिटिल पोनी एंड मोर, मतलब यार मैं तो ऑगी में जाऊंगा, मोटू पतलू में जाऊंगा, डोरेमोन में जाऊंगा, सिंचन में जाऊंगा। पोकेमॉन में बहुत मन से नहीं देखता, आई एम सॉरी, और सोनिक भी उतना खास नहीं है इंडिया में, तो मैं और क्या लिखा, बट यू कैन नेवर गो बैक और टेक एनीवन विद यू। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब आप किसी भी वर्ल्ड में घुस सकते हैं मगर आप वहां से वापस नहीं आ सकते और ना ही किसी को लेके वापस आ सकते हैं। सो डेट इज फॉर टुडे गाइस, आज बहुत ही मजा आया, लेकिन यार अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाओ और लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।